हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस सीओपी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैं हूं अपनी लोर। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं सीओपी के ऑल ब्रांचेस का कट ऑफ देखेंगे एमएसटी सीईटी 2024 एग्जाम के लिए। तो एक मोस्ट एक्यूरेट रेंज में आपको बताने वाला हूँ। हमारे पास ऑलरेडी 6 ईयर प्लस काउंसलिंग एक्सपीरियंस है। प्रीवियस 6 ईयर में हमने मोर दैन 10,000 प्लस स्टूडेंट की कॉलेज को लिस्ट को डिज़ाइन किया था, और साथ ही साथ प्रीवियस 2 to 3 ईयर का कट ऑफ का कंपैरिजन करके और एनालिसिस करके एक मोस्ट एक्यूरेट रेंज ही आपके पास आने वाली है। तो उसी हिसाब से आपको देख रहा है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपके एमएसटी सीईटी के स्कोर के ऊपर या फिर आपके जेई मेंस के स्कोर के ऊपर आपको महाराष्ट्र में कौन कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज लग सकता है। इसकी टोटल 50 से ज़्यादा कॉलेज की लिस्ट आप सीओ बोर्ड से डिज़ाइन करके ले सकते हैं। सीओ बोर्ड की टॉप एक्सपर्ट की टीम आपको आपके स्कोर के बेसिस के ऊपर टोटल कॉलेज की लिस्ट को डिज़ाइन करके देने वाली है। उसी लिस्ट को आपके कैप राउंड या फिर एडमिशन राउंड में यूज़ करके टोटल कॉम्पिटिशन को बीट कर सकते हो, क्योंकि कॉलेज को लिस्ट को डिज़ाइन करना, प्रेफरेंस देना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है और उसमें एक्सपीरियंस लगता है। हमारे पास ऑलरेडी 6 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है और हमने ऑलरेडी सारे अच्छे वाले जो कॉलेज है उनके कॉलेज रिव्यू वीडियो कवर करके रखे। तो इतना ज़्यादा इनडेप्थ नॉलेज और डाटा का एनालिसिस करके ही हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और साथ ही साथ आपको 50 से ज़्यादा कॉलेज की लिस्ट तो मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ कॉलेज कंपेरिजन ई बुक, कॉलेज प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन ई बुक, कॉलेज इन्फॉर्मेशन ई बुक, सी ओ पी ओड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव वीडियो और टॉप एक्सपर्ट टीम का सपोर्ट भी हम उसमें दे रहे हैं एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में। आप उसे यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रजिस्ट्रेशन की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हैं। तो सीओपी का सीएस का राउंड 1 का हम कट ऑफ देखते हैं फ्रेंड्स। प्रीवियस 2 to 3 और कट ऑफ कंपैरिजन करके और एनालिसिस करके मोस्ट एक्यूरेट रेंज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो ओपन के लिए 99.80 परसेंटाइल, ओबीसी के लिए 99.72 परसेंटाइल, एनटी या फिर वीजे से आप होगे तो 99.65 परसेंटाइल, एससी से आप होगे तो 98.60 परसेंटाइल, एसटी से होगे तो 95.61 परसेंटाइल। इतने आपके आ रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में आपको वेरी इजीली सीएस राउंड 1 में मिल जाएगी। जनरली देखा जाए तो हमारे टाइम में भी सीओपी का ऐसे ही कट ऑफ चलता था, क्योंकि मैं खुद सीओपी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ फ्रेंड्स। तो हमारे टाइम में भी सीओपी का सेम कट ऑफ चलता था और अभी भी चल रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन का लेवल रहता है। उससे डिफरेंस ओनली इतना है कि हमारे टाइम में जनरली मार्क्स थे और अभी आपके टाइम पे परसेंटाइल है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी जनरली बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन सीओपी के लिए रहती है। आगे भी हम अदर ब्रांचेस देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ आपको किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज की इन्फॉर्मेशन चाहोगे, चैनल पर जाना है, विजिट करना है और इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वीडियो इस प्लेलिस्ट को आप ओपन करके देख सकते हैं। अगली वाली ब्रांच देखते हैं फ्रेंड्स, ई एन टी सी का कट ऑफ देखते हैं। ओपन के लिए 99.60 परसेंटाइल, ओ बी सी के लिए 99.31 परसेंटाइल, एन टी या फिर वीजे से होगे तो 99.10 परसेंटाइल, एस सी के लिए 97.15 परसेंटाइल, एस टी के लिए 92.20 परसेंटाइल। तो आपके इतने आ रहे तो आपको ENTC राउंड 1 में मिल सकती है, आपको चांसेस बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। और किसी भी कॉलेज का कैंपस का वीडियो आपको सीओपीएल के इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी फ्रेंड्स। मैकेनिकल का देखते हैं हम। ओपन के लिए 98.95 परसेंटाइल, ओबीसी के लिए 98.60 परसेंटाइल, एनटी या फिर वीजे से हो गए तो 98 परसेंटाइल, एससी से आप हो गए तो 95.21 परसेंटाइल, एसटी से आप हो गए तो 89 परसेंटाइल। जबकि इतने आ रहे हैं आपके तो आपको वेरी इजीली मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। तो आगे भी ब्रांचेस हम देखने वाले, लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ, आपके एमएसटी सीईटी के स्कोर के ऊपर या फिर जेई मेंस के स्कोर के ऊपर आप टोटली टॉप एक्सपर्ट से डिज़ाइन की हुई लिस्ट आपके स्कोर के बेसिस के ऊपर डिज़ाइन करके ले सकते हैं। आपको कॉलेज की लिस्ट मिलेगी, टॉप कॉलेज इन्फॉर्मेशन ई बुक, कॉलेज प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन ई बुक, कॉलेज कंपेरिजन ई बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव वीडियोज़ और टॉप एक्सपर्ट टीम का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर जाकर रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हम देखते हैं। ओपन के लिए 99.28 परसेंटाइल, ओबीसी के लिए 98.84 परसेंटाइल, एनटी या फिर वीजे से होगे तो 98.10 परसेंटाइल, एससी से आप होगे तो 95.60 परसेंटाइल, एसटी से आप होगे तो 89 परसेंटाइल। तो इतने जनरली आपको होंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग राउंड 1 में वेरी इजीली मिल जाएगी। सिविल का देखते हैं फ्रेंड्स। 98 परसेंटाइल ओपन के लिए, ओबीसी के लिए 97.40 परसेंटाइल, एनटी या फिर वीजे से होगे तो 97 परसेंटाइल, एससी से होगे तो 93.15 परसेंटाइल, एसटी से होगे तो 87 परसेंटाइल। तो इतने आपके आ रहे हैं तो आपको सिविल वेरी इजीली राउंड 1 में मिल जाएगी फ्रेंड्स। और इंस्ट्रू का भी देखते हैं, इंस्ट्रू का कितना जाता है। जनरली ओपन के लिए 98.89 परसेंटाइल, ओबीसी के लिए 98.31 परसेंटाइल, एनटी या फिर वीजे से आप होगे तो 96.71 परसेंटाइल, एससी से आप हो गए तो 93.51 परसेंटाइल, एसटी से हो गए तो 86.10 परसेंटाइल। तो इस इंस्ट्रू आपको राउंड 1 में मिल सकती है अगर आपका इस रेंज में स्कोर आ रहा है तो। मेटा का देखते हैं। मेटा का सबसे कम जनरली कट ऑफ रहता है फ्रेंड्स। ओपन के लिए 96.91 परसेंटाइल, ओबीसी के लिए 95 परसेंटाइल, एनटी या फिर वीजे से हो गए तो 93.68 परसेंटाइल, एससी से हो गए तो 87 परसेंटाइल, एसटी से हो गए तो 65 परसेंटाइल। तो इतने आपके आ रहे हैं तो आपको सीओबी में एंट्री मिल सकती है मेटा के थ्रू।
उसी हिसाब से आपको देखना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर 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 शेयर कर दीजिए ताकि उसके भी इस वीडियो से हेल्प होनी चाहिए। और सी ओ पी और का वीआईपी पैक को यूज़ करके आपके बेसिस के ऊपर, आपके मार्क के बेसिस के ऊपर टोटल कॉलेज लिस्ट को डिज़ाइन करके टोटल कॉम्पिटिशन को आप बीट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हैं। किसी भी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, सिर्फ चैनल पर जाना, विजिट करना है। इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू इस प्लेलिस्ट को आप ओपन करके देख सकते हैं। चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके रखे, बेल आइकन को जरूर हिट करके रखे, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आपके प्रॉब्लम्स और डाउट वेरी इजीली क्लियर होते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।